हेलो, मैं जीपी दुबे आप लोगों को आईटीआई आइकन चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं इलेक्ट्रिशियन के प्रैक्टिकल के जॉब के बारे में बता रहा हूं। आज का एम है टू लैंप्स कंट्रोल्ड इन पैरेलल कनेक्शन। ये टूल्स का हम यूज़ करते हैं, कॉम्बिनेशन प्लायर, 20 सेंटीमीटर का एक नंबर लेंगे। दूसरा आपका है इलेक्ट्रिशियन नाइफ, ये 10 सेंटीमीटर का। तीसरा है स्क्रू ड्राइवर, 15 सेंटीमीटर का एक नंबर। चौथा है लाइन टेस्टर, 500 वोल्ट का एक नंबर। पांचवा है वायर स्ट्रिपर, एक नंबर। अब हम मटेरियल्स के बारे में बता रहे हैं और इसके बारे में बता रहे हैं। देखिए, ICDP मेन स्विच हम ले रहे हैं 16 एम्पीयर 250 वोल्ट का। दूसरा ये फ्यूज ले रहे हैं आपका 6 एम्पीयर 250 वोल्ट का। तीसरा SP स्विच 6 एम्पीयर 250 वोल्ट का एक नंबर। और चौथा ये दो बैटन होल्डर ले रहे हैं, तो ये बैटन होल्डर में इसको एंगल होल्डर बोलते हैं, ये भी 6 एम्पीयर 250 वोल्ट है, ये भी 6 एम्पीयर 250 वोल्ट है। और दो लैंप यानी बल्ब ले रहे हैं 100 वाट 250 वोल्ट का, दो नंबर्स। और आइए तो चलते हैं, सर्किट डायग्राम दिखाते हैं। ये देखिए ICDP मेन स्विच है, ICDP मेन स्विच 16 एम्पीयर 250 वोल्ट का है। इसमें हम ये फेज वायर एक रेड कलर का यहाँ पर इनकमिंग टर्मिनल में कनेक्ट किए हैं। इसके बाद एक दूसरा फेज वायर रेड कलर का PVC कॉपर वायर इसके आउटगोइंग टर्मिनल में कनेक्शन किए हैं। और उसका दूसरा टर्मिनल ये फ्यूज है, फ्यूज 6 एम्पीयर 250 वोल्ट का इसमें इसके इनकमिंग टर्मिनल में कनेक्शन किए हैं। अब ये फ्यूज के आउटगोइंग टर्मिनल में दूसरा एक फेज वायर रेड कलर का, इसको SP स्विच जो है 6 एम्पीयर 250 वोल्ट का है इसके इनकमिंग टर्मिनल में कनेक्शन किए हैं। और SP स्विच के आउटगोइंग टर्मिनल में एक फेज वायर रेड कलर का L1 होल्डर के एक पॉइंट में कनेक्शन किए हैं। अब ये दूसरा SP स्विच 6 एम्पीयर 250 वोल्ट का जो है, इसमें यहाँ से एक फेज वायर रेड कलर का लेके यहाँ पर इसके इनकमिंग टर्मिनल में कनेक्शन किए। अब इसका जो आउटगोइंग टर्मिनल है, यहाँ से एक दूसरा रेड कलर का वायर लेके ये लैंप L2 है, लैंप L2 का जो होल्डर है, बैटन होल्डर 6 एम्पीयर 250 वोल्ट इस यहाँ कनेक्शन किए हैं। और ये जो हम PVC कॉपर वायर लगाए हैं, ये 1.00 स्क्वायर mm का लगाए हैं। अब इस लैंप L2 के होल्डर का दूसरा पॉइंट में एक ब्लू कलर का वायर यहाँ कनेक्शन किए और ये वायर ला के हम इस पॉइंट पर कनेक्शन किए हैं। और एक दूसरा ब्लू कलर का एक वायर लेके यहाँ लैंप L1 के होल्डर के दूसरे पॉइंट में कनेक्शन किए और उसको यहाँ से ये तार लाते हुए ICDP मेन स्विच के आउटगोइंग वाले न्यूट्रल पॉइंट के टर्मिनल में कनेक्शन किए। अब ये जो ICDP मेन स्विच है उसका जो इनकमिंग टर्मिनल है न्यूट्रल का, उसमें एक ब्लू कलर का वायर कनेक्शन किए और उसका जो दूसरा छोर है उसको न्यूट्रल वायर जो मेन सप्लाई का वहाँ कनेक्शन किए। अब क्या करते हैं कि इसमें AC 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं और देखे मेन स्विच के हैंडल ऑन करते हैं, फिर ये स्विच ऑन करते हैं, तो यहाँ से सर्किट में करंट यहाँ से वायर में यहाँ आता है और यहाँ से करंट फ्लो होके होल्डर के फिलामेंट में जाता है और इधर से न्यूट्रल मिलने के कारण बल्ब फुल लाइट देता है। क्योंकि हम AC 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं तो यहाँ और यहाँ दोनों टर्मिनल में AC 220 वोल्ट सप्लाई मिलता है, जिसके कारण लैंप L1 फुल लाइट देता है। आप यदि इस स्विच को S2 स्विच जो है SP स्विच इसको फिर ऑन करते हैं तो यहाँ भी ये करंट यहाँ फ्लो के यहाँ तक आता है और इधर से न्यूट्रल मिलता है, तो यहाँ दोनों वायर के बीच में AC 220 वोल्ट सप्लाई मिलता है, जिसके कारण लैंप L2 पूरा लाइट देता है, फुल ग्लो करता है। तो ये लैंप L1 और लैंप L2 दोनों में फुल वोल्टेज मिलने के कारण, और फुल वोल्टेज मिलता है क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्शन है, इसलिए फुल वोल्टेज मिलता है और दोनों में फुल लाइट देता है। आपने यदि मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अब हम वर्किंग मेथड के अनुसार ये पूरा मटेरियल्स का कनेक्शन करके हम दिखा रहे हैं। हाँ, वर्किंग मेथड नंबर एक, सर्वप्रथम सर्किट डायग्राम बनाया। नंबर टू, इसके बाद ICDP मेन स्विच के इनकमिंग टर्मिनल में एक रेड कलर का PVC कॉपर वायर के एक टुकड़े के इंसुलेशन को इलेक्ट्रिशियन नाइफ के द्वारा हटाकर
कनेक्शन किया था उसके दूसरे टर्मिनल को सप्लाई में कनेक्ट किया। देखिए यहाँ पर एक वायर का कनेक्शन किए और उसके बाद ये वायर को सप्लाई लाइन में कनेक्शन किया। नंबर 3, अब ICDP मेन स्विच के आउटगोइंग टर्मिनल में एक रेड कलर के वायर का कनेक्शन करके उसके दूसरे टर्मिनल को फ्यूज के इनकमिंग पॉइंट में कनेक्शन किया। अब यहाँ एक कनेक्शन करते हैं, इस जगह कर दिए और इसका जो दूसरा टर्मिनल है इसको फ्यूज के इनकमिंग टर्मिनल में, ये इनकमिंग टर्मिनल है, ये आउटगोइंग है, तो इसके इनकमिंग में कनेक्शन करेंगे। नंबर 4, इसके बाद फ्यूज के आउटगोइंग टर्मिनल में एक वायर के टुकड़े का कनेक्शन करके उसके दूसरे टर्मिनल को SP स्विच S1 के इनकमिंग टर्मिनल में कनेक्शन किया। अब ये SP स्विच है, इसके यहाँ से इनकमिंग टर्मिनल में करेंगे, फ्यूज का इनकमिंग आउटगोइंग टर्मिनल है, इनकमिंग टर्मिनल में किए। नंबर 5, पुनः SP स्विच के आउटगोइंग टर्मिनल में रेड कलर का वायर का कनेक्शन करके उसके दूसरे टर्मिनल को लैंप L1 के होल्डर के एक पॉइंट में कनेक्शन किया। यहां से एक कनेक्शन किया इसका स्विच S1 के आउटगोइंग टर्मिनल से लैंप, ये है इसके लैंप L1 है, इसके होल्डर में कनेक्शन किया। अब लैंप L1 के होल्डर के दूसरे पॉइंट में एक वायर का कनेक्शन करके वायर के दूसरे टर्मिनल को ICDP मेन स्विच के आउटगोइंग टर्मिनल के न्यूट्रल पॉइंट पर कनेक्शन किया। इसको हम यहां पर कनेक्शन करते हैं। नंबर 7, इसके बाद स्विच S1 के इनकमिंग टर्मिनल में एक रेड कलर के वायर का कनेक्शन करके उसके दूसरे टर्मिनल को स्विच S2 के इनकमिंग पॉइंट में कनेक्शन किया। अब स्विच S1 के एक टर्मिनल में इसको हम कनेक्शन कर रहे हैं। स्विच S1 के इनकमिंग टर्मिनल में किए। अब यहाँ से ये स्विच S2 है, इसका ये इनकमिंग टर्मिनल है, इसमें कनेक्शन करना है। नंबर 8, अब स्विच S2 के आउटगोइंग टर्मिनल में एक रेड कलर का वायर का कनेक्शन करके उसके दूसरे टर्मिनल को लैंप L2 के होल्डर के एक पॉइंट में कनेक्शन किया। अब यहां से एक ब्लू कलर का वायर लेते हैं, अब ब्लू नहीं, एक काला कलर, एक रेड कलर का वायर लेते हैं, सर एक रेड कलर का वायर लेते हैं क्योंकि ये फेज वायर है,
फेज में हमेशा रेड लगाते हैं, ये रेड लगाए। अब इस शोल्डर में लगाना लैंप L2 के होल्डर के दूसरे पॉइंट में एक वायर का कनेक्शन करके उसके दूसरे टर्मिनल को न्यूट्रल वायर में कनेक्शन किया। ये लैंप L2 है। अब यहां से न्यूट्रल वायर यहीं से ले लेते हैं लैंप L1 के टर्मिनल से। लायर का यूज करते हैं। अब सर्किट डायग्राम के अनुसार इस कनेक्शन को जो किए हैं उसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये मेन स्विच है, मेन स्विच से एक फेज वायर ला रहे हैं और फेज वायर को इसके आउटगोइंग टर्मिनल से यहाँ से इसके फेज वायर को ये इनकमिंग टर्मिनल में डाल रहे हैं और ये फ्यूज का आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर लेके ये इनकमिंग टर्मिनल जो SP स्विच का है इसमें लगा रहे हैं, यहाँ पर लगा रहे हैं। अब ये SP स्विच S1 के आउटगोइंग टर्मिनल से एक बार लैंप L1 के होल्डर में लगा रहे हैं। तो ये स्विच SP स्विच S1 है, इसका आउटगोइंग टर्मिनल में एक रेड कलर का वायर लेके लैंप L1 का होल्डर के पॉइंट में कनेक्शन कर रहे हैं। अब स्विच S1 के ये इनकमिंग टर्मिनल से दूसरा एक फेज वायर लेके रेड कलर का ये स्विच S2 के इनकमिंग टर्मिनल में कनेक्शन कर रहे हैं। अब स्विच S2 के ये आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर यहाँ कनेक्शन कर रहे हैं, दूसरे जो L2 लैंप होल्डर है उसके पॉइंट में कर रहे हैं। ये तार इसका कनेक्शन ये लैंप L2 के होल्डर के पॉइंट में कनेक्शन कर रहे हैं। अब ये लैंप L2 के होल्डर से एक ब्लू कलर का वायर लेके लैंप L1 के होल्डर पर कनेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ से लैंप L1 के होल्डर के पॉइंट से दूसरे पॉइंट से कनेक्शन कर रहे हैं ब्लू कलर को वायर को, और लैंप L1 के जो होल्डर है उस पर कनेक्शन कर रहे हैं। अब लैंप L1 के होल्डर जो है उसके दूसरे पॉइंट से एक ब्लू कलर का वायर का कनेक्शन यहाँ पर किए हैं, यहाँ से लेके ये वायर का कनेक्शन ये ICDP मेन स्विच के आउटगोइंग टर्मिनल में किए, ये इसका आउटगोइंग टर्मिनल में यहाँ पर किए। और अब क्या करते हैं उसके बाद, अब चलिए प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। देखिए ये दोनों होल्डर में बल्ब को लगा दिया इसमें और इसमें, और लगाने के बाद ये क्या करेंगे, मेन स्विच को ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद इसके हम चेक करेंगे फ्यूज को। तो फ्यूज के इनकमिंग में करंट आ गया। अब ये फ्यूज का आउटगोइंग टर्मिनल में यहाँ करंट शो कर रहा है। अब इसको स्विच S1 के ये इनकमिंग टर्मिनल में शो कर रहा है, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ यदि हम ऑन करेंगे तो ये बल्ब जलेगा, फुल लाइट दे रहा है, और यहाँ से ये करंट यहाँ भी शो कर रहा है। अब यदि इसको भी ऑन करेंगे तो ये फुल लाइट देगा। तो इसका मतलब हम यहाँ मेन स्विच के आउटगोइंग टर्मिनल में हम 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं और वहाँ से ये दोनों बल्ब में 220 वोल्ट सप्लाई यहाँ के बीच वोल्ट मीटर लगे 220 वोल्ट मिलेगा, और ये न्यूट्रल और फेज के बीच में इस होल्डर में हम अगर देखेंगे वोल्ट मीटर लगा के चेक करेंगे तो यहाँ भी 220 वोल्ट सप्लाई मिलेगा। क्योंकि पैरेलल सर्किट के कनेक्शन में जितना हम सप्लाई वोल्टेज देते हैं उतना
मतलब लोड में उतना ही वोल्टेज मिलता है, यानी हम सप्लाई में एसी 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं, तो लैंप L1 में भी एसी 220 वोल्ट सप्लाई मिलेगा और लैंप L2 में भी एसी 220 वोल्ट सप्लाई मिलेगा, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन में ये सप्लाई वोल्टेज बराबर V1 का वोल्टेज और बराबर V2 का वोल्टेज होता है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त हो रही है। अगर इस जॉब के प्रैक्टिकल में हम लोग सावधानियां अपनाते हैं, नंबर एक, कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए, नंबर टू, अच्छी क्वालिटी के ही जो ये स्विच फ्यूज और बल्ब और होल्डर ये और तार जो लगाते हैं अच्छी क्वालिटी का लगाना चाहिए, और जॉइंट में जहाँ कहीं हम किए हैं वहाँ पर पीवीसी इंसुलेशन टेप के द्वारा टेप कर देना चाहिए। और इसका यूज़ है, पैरेलल कनेक्शन का यूज़ हम लोग हाउस वायरिंग में करते हैं और वर्कशॉप के वायरिंग में करते हैं, या कहीं भी पैनल में और दूसरे जगह भी इसका पैरेलल सर्किट का कनेक्शन करते हैं। तो ये वीडियो यहीं समाप्त हो रही है। जो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करेंगे, और जो व्यूअर मेरे चैनल ITI आइकन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।